दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स जो स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ी नोटिफिकेशन आई है साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है। हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों पूरी नोटिफिकेशन को हमने समराइज कर दिया है एक सिंगल पेज में और हम पूरी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को जल्दी से समझ के वापस इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मेन पॉइंट से इस नोटिफिकेशन के। दोस्तों सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। ग्रुप सी की भर्तियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। कुल मिलाकर के 21 वैकेंसीज हैं जिसके लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों वैसे तो रेलवे के अंदर काफ़ी बड़ा रीजन आता है किसी भी वैकेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इन वैकेंसीज के लिए जो साउथ वेस्टर्न रेलवे का जितना भी रीजन है वो कवर किया जा सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी बाद में जाकर के इसमें ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, तो आप लोगों को इन सब बातों के लिए मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों वैसे तो हम अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, लेकिन मोटे तौर पर आपको बताऊं तो अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपने 10वीं के साथ ITI की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल यहाँ पर ये एज लिमिट दी गई है और 1 जनवरी 2020 तक ये एज कैलकुलेट की जाएगी। ये एक क्रूशल डेट है, 1 जनवरी 2020, इस डेट से एज कैलकुलेट की जानी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों जो परफॉर्मेंस के लिए ट्रायल किया जाएगा, सभी कैंडिडेट्स का एक ट्रायल होगा, ऑन फील्ड ट्रायल, उसमें जो परफॉर्मेंस होगी प्लस इसके अलावा स्पोर्ट्स का जो आपका अचीवमेंट है, जो आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, उन स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स के आधार पर दोनों मार्क्स का कंबाइंड करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, CPC 7 लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है 5,200 से लेकर के 20,200 2,000 रुपये के ग्रेड पे के साथ। तो दोस्तों ये सैलरी बड़ी ज़बरदस्त होती है, आप जितनी ये फिगर देख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा ये फिगर आपको इन हैंड एज अ सैलरी मिलने वाली है। और जॉब नेचर की बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो इस जॉब की है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, कोई इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या टेम्प्रेरी ये जॉब नहीं है, फुल टाइम परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है। और इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि तकरीबन 3.37% का ईयरली इंक्रीमेंट होता है इसमें बेसिक पे का। देखिए दोस्तों 3.37% बेसिक पे का इंक्रीमेंट का मतलब टोटल अमाउंट का 3.37% नहीं है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो ईयरली इंक्रीमेंट होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये महकमे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है। और लास्ट डेट की बात करें तो 28 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ऑफलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है, इसीलिए ये लास्ट डेट को आप ये ना माने कि आपको इसी तारीख को आवेदन करना है, इससे आप लगभग एक हफ्ते पहले आवेदन कर दीजिएगा, इसके लिए पोस्ट कर दीजिएगा, तभी आपके तय समय के अंदर आपकी पोस्ट उस एड्रेस पर पहुँचेगी जिस एड्रेस को यहाँ पर मैंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है, वहीं SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क इन वैकेंसीज के लिए रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए आवेदन करना है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है www.swr.indianrailways.gov.in। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं और कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट हैं जिसके लिए ये भर्तियां होनी हैं। देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके फ्रंट पेज पर ही
इवेंट्स का नाम मेंशन किया गया है। सबसे पहले पहले एथलेटिक्स के बारे में आ जाते हैं। 400 मीटर की रेस के लिए एक पुरुष के लिए भर्ती होनी है, 500 मीटर्स रेस के लिए एक पुरुष और एक महिला के लिए भर्ती होनी है, 800 मीटर्स रेस के लिए एक पुरुष की भर्ती होनी है, इसके अलावा ट्रिपल जंप के लिए एक पुरुष की भर्ती होनी है, एक वैकेंसी है, और लॉन्ग जंप के लिए एक महिला के लिए वैकेंसी रखी गई है। बैडमिंटन स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो सिंगल्स और डबल्स दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दो वैकेंसीज पुरुषों के लिए इसमें रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग 85 किलोग्राम वर्ग में एक वैकेंसी मेल्स के लिए रखी गई है। क्रिकेट से जुड़े हुए कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओपनिंग बैट्समैन के लिए एक वैकेंसी है। ऑलराउंडर हु शुड कंपल्सरी भी मीडियम पेसर, ऐसे ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी रखी गई है। मिडल ओवर बैट्समैन और फास्ट बॉलर इसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। मीडियम पेसर के लिए एक वैकेंसी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक वैकेंसी है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग के लिए 81 किलोग्राम वर्ग के लिए एक वैकेंसी है और 109 से फालतू का जो आगे का किलोग्राम के वर्ग होते हैं उसके लिए भी एक वैकेंसी रखी गई है। टेबल टेनिस सिंगल्स या डबल्स से अगर आप जुड़े हुए कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी रखी गई है एक, और हॉकी के लिए हाफ बैक के लिए दो और फॉरवर्ड के लिए दो वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के 7 स्पोर्ट्स इवेंट्स थे दोस्तों जिसके लिए भर्ती आने वाली है। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि आने वाले वक्त में और भी स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ी हुई भर्तियां बहुत जल्द आने वाली हैं, और आप थोड़ा सा बस वेट करते रहें, ऑफिशियल वेबसाइट्स को विज़िट करते रहें। हमारे चैनल के माध्यम से भी दोस्तों आपको इन नोटिफिकेशंस के बारे में समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और थोड़ा सा सब्र रखें। आने वाले वक्त में और भी वैकेंसीज खेलों से जुड़ी हुई जो स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पर काउंट नहीं किए गए हैं उनके लिए, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि चेस और कबड्डी से जुड़े हुए कैंडिडेट्स बिल्कुल भी निराश ना हो, आने वाले वक्त में उनके लिए काफ़ी वैकेंसीज की नोटिफिकेशंस जल्दी ही देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 12वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 10th प्लस ITI के कैंडिडेट्स या 10th प्लस अप्रेंटिस के कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड सेक्शन में देखें सबसे नीचे यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा कि 10th पास लोन सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होगी दोस्तों। अब मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको, अगर आप नेशनल लेवल पर खेलें तो आपको यहाँ पर थोड़ा इंटरनेशनल इवेंट्स ज़्यादा नज़र आएंगे ऊपर, लेकिन हम इस पर फोकस ना करते हुए हम थोड़ा सा नीचे अगर आ जाएं, 4.2 आर्टिकल देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 2 और 3 CPG 7 Pay Band 1 5,200 से 20,200 के लिए, अगर आपने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करा है कंट्री को तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। Represented the country in any of the category B championship or events. ये category B कौन सी है दोस्तों, आप notification में ऊपर आ जाइए, ये देखिए आप देख सकते हैं ये category B के events यहाँ पर दिए गए हैं, World Cup, Junior Youth, Senior, World Championship, Junior Senior, Asian Games, Commonwealth Games, Youth Olympic, Davis Cup, Champions Trophy और इसके अलावा Thomas और Uber Cup, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर आप और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ऑब्टेंड एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी चैम्पियनशिप्स, कैटेगरी सी चैम्पियनशिप्स यहाँ फिर ऊपर आप देख लीजिए ये मेंशन की गई हैं। तो अगर आप इसमें भी नहीं आते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्टेंड एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, अगर आपने सीनियर यूथ या फिर जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कोई तीसरी आपने 3rd पोजीशन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में कभी आप लाए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें भी नहीं आ रहे हैं तो एक और नीचे पॉइंट दिया गया है दोस्तों, ऑब्टेंड एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन नेशनल गेम्स, अगर आपने नेशनल गेम्स में जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसमें अगर आपने 3rd पोजीशन प्राप्त करी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा obtained at least 3rd position in
ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, अगर आपने इंटर ऑल इंडिया की जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है उसमें अगर आपने थर्ड पोजीशन कम से कम प्राप्त करी है इन स्पोर्ट्स इवेंट में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन अगर आपने प्राप्त करी है फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों जो नीचे दिए गए हैं। एथलेटिक्स से जुड़े हुए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेडल विनिंग अगर आपने परफॉर्मेंस दी है नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडल विनिंग परफॉर्मेंस कौन सी होती है? इधर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, ठीक है, स्वर्ण, कांस्य या फिर सिल्वर मेडल अगर आपने जीता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गोल्ड मेडल इन ओपन नेशनल चैंपियनशिप सीनियर में अगर आपने जीता है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में अगर आपने जीता है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बैडमिंटन की करंट ऑल इंडिया रैंकिंग 20th पोजीशन तक के कैंडिडेट्स को भी इसके लिए आवेदन करने के लिए निमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अगर आप ब्लो मेंशन यहाँ पर और दिए गए हैं रैंकिंग करंट एनुअल रैंकिंग अगर सिंगल्स में आपकी 70th तक है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों क्रिकेट के लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, बट उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी नोन से पॉइंट है। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ, अगर आपने सीनियर या अंडर 20 या अंडर 19 ऑल इंडिया सीनियर इंटर जोनल चैंपियनशिप में अगर आपने पार्टिसिपेशन भी करा है ना, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कैंडिडेट होते हैं उनको अपने इवेंट्स के बारे में पता होता है, तो उस इवेंट के अकॉर्डिंग आप इस नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से दोस्तों पढ़ लें, पूरी नोटिफिकेशंस को। ऊपर के मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत कैंडिडेट्स से मैं इस बात से थोड़ा नाराज़ भी हो जाता हूँ, वो सिर्फ यहाँ पर मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट आर्टिकल 4 के बस इतने हिस्से को पढ़ के छोड़ देते हैं। कितने हिस्से को? जितना इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ इतने हिस्से को पढ़ के छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं यार हमारे लिए तो इस रिक्रूटमेंट में कोई नोटिफिकेशन के अंदर हमारे लिए तो जगह दी गई है, सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं 4.2 फिर आगे 4.3, तो अगर आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको अपने लिए भी पोजीशन इसमें कहीं ना कहीं मौका आपको दिख जाएगा। तो आप पूरी नोटिफिकेशन को, ये जो आर्टिकल 4 है इसके अंदर, इस पूरे को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, आखिरी तक पढ़ना है, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे मोटे तौर पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 अप्रैल 2017, ये तारीख आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद अगर आपने स्पोर्ट्स में अचीवमेंट प्राप्त करी हैं तो ही आपको इसके लिए आवेदन करना है। इससे पहले अगर करी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके वीडियो में ज़रूर पूछें, हम आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको रिप्लाई करें। हालांकि कई बार हम कई कामों में व्यस्त रहते हैं, इस वजह से हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें और आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए। और अगर आपकी नज़रों में कहीं और स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ी हुई स्पोर्ट्स की वैकेंसी आती है तो भी आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें सूचित कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वैसे जितनी हमारी नॉलेज में आती है दोस्तों हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बना ही देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल दोबारा एक नई वैकेंसी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।